इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे Redmi 4 के अंदर अगर हमारा कैमरा वर्क नहीं कर पाता है, कैमरे में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपको सेटिंग्स में जाना होगा, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे जाना होगा। नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको स्टोरेज ऐप दिखती है तो स्टोरेज ऐप को खोल लेना है और यहाँ पर आपको कैमरा दिखाई देगा तो कैमरे को जो है आपको खोल लेना है। ये रहा हमारा कैमरा, इसको खोल लेना है। खोलने के बाद इसे डेटा क्लियर कर देना है, ऑल डेटा क्लियर कर देना है। उसके बाद बैक लाइए, बैक लाइए, बैक लाइए और यहाँ पर सबसे ऊपर जाइए अबाउट फ़ोन के अंदर। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद यहाँ पर आपको सिस्टम अपडेट दिखाई देगा, इस पर क्लिक करिए और अपने सिस्टम को पूरा अपडेट कर लीजिए। यहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड अपडेट पर क्लिक करके इसे अपडेट कर लीजिए और उसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है तो फिर बैक आइए। बैक आने के बाद एडिशनल सेटिंग्स पर जाइए। एडिशनल सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना है और नीचे यहाँ पर आपको बैकअप एंड रीसेट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसे फैक्ट्री डेटा रीसेट पर क्लिक करके इसे डिलीट मार देना है, यानी कि अपने फ़ोन को रीसेट कर देना है। तो इससे अगर आपका डेटा तो लूस्ट होगा लेकिन आपकी जो शायद प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। लेकिन फिर भी अगर सोल्व नहीं हो पा रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जितना भी प्रोसेस हमारे Redmi Note 5 Pro में हुआ है आप किसी भी फ़ोन के अंदर ये प्रोसेस कर सकते हैं।